पेरिफेरल न्यूरोपैथी या आसाबी कमजोरी से मुराद बेसिकली ये है कि हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन रहे, हाथ पैरों में सुइयां चुभें या हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहें, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी, खसूसन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इसमें शामिल है। CBC, LFTs, विटामिन B12 के टाइटर्स, तो आपको गोश्त, अंडों और मछली का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान मुस्तफ़ा है और आज मैं आपके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी आसाबी कमजोरी के बारे में बात करूंगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी या आसाबी कमजोरी से मुराद बेसिकली ये है कि हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन रहे, हाथ पैरों में सुइयां चुभें या हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो कॉजेज हैं उनमें हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस यानी शुगर की बीमारी, स्ट्रोक यानी फालिज की बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीजेस जिनमें ग्लेनबेरी सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल है, इसके साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन के मोहरों का कमजोर हो जाना या डिस्क का अपनी जगह से हिल जाना, इन्फेक्शंस जैसे सिफिलिस और विटामिन्स की डेफिशिएंसी, खसूसन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इसमें शामिल है। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी या आसाबी कमजोरी की अलामत आ रही है तो आपको बेसिकली खून के कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। इन टेस्ट में CBC, LFTs, विटामिन B12 के टाइटर्स और इसके साथ साथ जिसम में शुगर की मिकदार या HbA1c का टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। इसके साथ साथ अगर B12 डेफिशिएंसी की अलामत आप में महसूस हो रही हैं तो आपको गोश्त, अंडों और मछली का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मजीद मालूमात के लिए या कोई भी ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप तिबी के प्लेटफॉर्म से हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।